जय हिंद दोस्तों, मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं जी दोस्तों नए टाइम टेबल के ऊपर। जानेंगे इस वीडियो में किस विश्वविद्यालय का टाइम टेबल है, किस यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है और क्या क्या सीट दी गई है। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। बस आप लोग को एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे जी दोस्तों सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगला जो नोटिफिकेशन आने वाला है वह यूपी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि नया टाइम टेबल आ गया है और किस डेट से एग्ज़ाम शुरू होगा। उससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे फटाफट बढ़ाते हैं और बात करते हैं नए टाइम टेबल से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस विश्वविद्यालय का है। तो टाइम टेबल के ऊपर पहले हम लोग डिस्कस थोड़ा कर लें। यहाँ पे टाइम टेबल की बात की जाए तो बीए का आप लोग देखेंगे तो 7/7/2020 यानी कि 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 10/8 लास्ट डेट इसका है। वही बीकॉम की बात की जाए तो 7/7 और लास्ट डेट की बात की जाए तो 25/7 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका लास्ट डेट। यहाँ पे बात की जाए बीएससी की तो 8 जुलाई से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 13/8 इसका लास्ट डेट है। वही बात की जाए सेमेस्टर बीए के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 23/7 से स्टार्ट होगा यानी कि 23 जुलाई से, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 14/8 तक ख़त्म हो जाएगा, 14 अगस्त तक। वही बात की जाए स्नातक सेमेस्टर बीकॉम के लिए तो देख सकते हैं 23 जुलाई से शुरू होगा और 5 अगस्त तक इन लोगों का ख़त्म हो जाएगा। वही बात की जाए बीएससी स्नातक के लिए तो देख सकते हैं 23 जुलाई से शुरू होगा और ख़त्म होने की बात की जाए तो 11 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 7/7 से शुरू होगा यानी 7 जुलाई से शुरू होगा, और बात की जाए कब ख़त्म होगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 21/7 तक ख़त्म हो जाएगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए बात की जाए तो 16/7 आपको दिख रहा होगा यानी 16 जुलाई से, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 7/8 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे दिया है बीसीए की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 31/7 से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 13 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। वही बीटेक की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 31/7 से स्टार्ट होगा यानी 31 जुलाई से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट की बात की जाए 14/7 आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं किस किस के लिए दिया गया है। काफ़ी बड़ा मतलब कि टाइम टेबल है, काफ़ी विद्यार्थियों के लिए है। तो अगर आप लोग को मतलब वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, या तो वीडियो की स्पीड कम करके आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर बात की जाए बीबीए के लिए तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या डेट होने वाला है। वही बात की जाए एमबीए के लिए तो देख सकते हैं एमबीए के लिए 20 जुलाई, जी दोस्तों 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, और लास्ट जुलाई आपको 10 दिख रहा होगा, 10 अगस्त। वही बात की जाए यहाँ पे बीईएलएड के लिए यानी बीएलएड के लिए बात की जाए तो यहाँ पे 10/7 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट की बात की जाए तो 20/7 इसका लास्ट डेट है। वही बात की जाए एलएलबी के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 28/7, जी दोस्तों 28/7 से स्टार्ट होगा, मतलब 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट की बात की जाए 14 अगस्त होने वाला है। वही आप देख सकते हैं बीबीए के लिए 7/7 दिया गया है, काफ़ी अच्छा टाइम टेबल है। वही एमबीए के लिए बात की जाए तो 25/7 दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम टेबल बनाया गया है दोस्तों। तो और हम लोग देख लेते हैं एक आध और क्लास का जो छोटा होगा। यहाँ पे एमबीए की बात की जाए तो एमबीए के बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं, तो एमबीए की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ है 25/7, जी दोस्तों एमबीए की जो एग्ज़ाम शुरू होंगे 25/7 यानी 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट की बात की जाए तो 6/7 लास्ट डेट है यानी 6 अगस्त तक। वही एमकॉम की बात की जाए तो 25/7 यानी 25 जुलाई से इन लोगों का भी शुरू होगा, लास्ट डेट यहाँ पे 7 अगस्त दिया गया है। वही एमएससी की बात की जाए तो 25/7 आपको दिख रहा होगा एमएससी के लिए,
और 25 जुलाई से मतलब स्टार्ट होगा। लास्ट डेट की बात की जाए तो 8-8 लास्ट जुलाई है जी दोस्तों। काफ़ी अच्छी मतलब कि इन्होंने लोगों ने टाइम टेबल तैयार किया है, तो विद्यार्थियों को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब जैसे ही जी दोस्तों जैसे ही कोरोना महामारी ख़त्म होती है उसके बाद ही फटाक देना एग्ज़ाम कराने के ऊपर इन लोग का विचार किया जा रहा है। इससे जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे। तो जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का यह पेपर है। तो सीधे मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी का यह पेपर है। यहाँ पे बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निकाला गया, और किस डेट को ये रिलीज़ किया गया है तो 19/6 जी दोस्तों, ये कल ही अभी रिलीज़ किया गया है। टाइम टेबल बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संयुक्त महाविद्यालय छात्र एवं प्राचार्य केंद्र अध्यापक एवं सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के प्रत्यांग जी दोस्तों यहाँ पे दिया है TC दिनांक 19/6/2020 के अनुपालन में COVID-19 से बचाव है तो जारी गाइडलाइन को सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा 16/3/2020 से प्रारंभ हो चुकी वार्षिक परीक्षाएं जो कि COVID-19 के दृष्टिगत स्थगित कर दी गई थी, उन्हें उक्त परीक्षाओं के साथ स्नातक परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तक शुरू प्रारंभ की जाएंगी। दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज है, तो आप लोग इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या अपडेट आया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।